अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है सैयद अब्दुल्ला सलमान। मैं हूँ नेहा इमरान। आज फोर्स क्लब में मौजूद है जो के गुलबर्ग थ्री में लोकेटेड है। आज हमारा यहाँ आने का मकसद है एक स्पेशल इवेंट जो के कवाली नाइट के तौर पर जाना जाता है और ये पिछले अर्से पहले आवाम में फेमस हुआ। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम सैयद दाऊद सलमान है। और ये है दाऊद सलमान। तो सबसे पहले मैं आपको जगह के बारे में थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ। ये एक मेमोजेनिक क्लब है जहाँ पर हर एज के लोग आ सकते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया बना हुआ है और अगर बड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर उनके लिए स्विमिंग पूल, एक जिम, एक एग्जीक्यूटिव लाउंज है और जिनको रीडिंग करने का शौक है वह एग्जीक्यूटिव लाउंज में जाकर रीडिंग कर सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ किस्म की मैगजीन और बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स रखी गई हैं। आए अब हम इस जगह का टूर स्टार्ट करते हैं। जब हम जगह पे एंटर होते हैं तो सबसे पहले हमें प्यारा सा ब्यूटीफुल सा फाउंटेन नजर आता है। तो ये जगह का प्ले एरिया है और हम इस जगह का टूर कराते हैं। अब जैसे ही एंटर होते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो रेस्टोरेंट है उसका नाम चाय ढाबा है। आए हम मैं आपको इस रेस्टोरेंट का टूर दूँ। आए मैं आपको यहाँ की मेन रिसेप्शन और लॉबी एरिया दिखाता हूँ। देसी फूड के लिए आप मसाला रेस्टोरेंट जरूर ट्राई करें। ये यहाँ का मेंस सैलून है। तो ये जगह का स्विमिंग पूल है जहाँ पर आप मेल्स और फीमेल्स दोनों आकर स्विमिंग कर सकते हैं लेकिन अलग अलग टाइमिंग्स का। और ये इस जगह का जिम है। ये स्क्वैश कोर्ट है, इसकी मुकम्मल वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्लब में लेडीज बुटीक भी है जहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हैं। क्लब में गोल्डन वॉक चाइनीज रेस्टोरेंट भी है। अगर आपको टर्किश या लेबनीज खाने पसंद है तो सोफ्रा में आ जाएं। बच्चों के लिए गेम और बड़ों के लिए यहाँ पे एक स्पीकर भी मौजूद है। ये रहा यहाँ का एक और रेस्टोरेंट जिसका नाम द ग्रीन लाउंज। इसकी सीटिंग रूफटॉप पर भी अवेलेबल है। आए मैं आपको यहाँ की होने वाली कवाली नाइट के कुछ व्यूज दिखाऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आए और अपने फैमिली के साथ इस जगह को विजिट करें। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।